जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग बता चुके हैं कि अगर मान लेते हैं दो तीन समुच्चय है छोटा छोटा जो भी है और उसको एक सम्मिलित कर दिया जाए तो वही एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय जो दो तीन उप समुच्चयों का संग्रह हो। तो यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए जो है यू का एक उप समुच्चय है। चलिए इस बात समझ में आ गया। तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में अवयव नहीं है, यानी यू माइनस ए। बात समझ रहे हैं, यानी यू में से ए के अवयवों को घटा देने के बाद जो जो अवयव बचेगा वही ए का पूरक कहलाएगा। फिर से एक बार कर देते हैं, समुच्चय यू में, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए के अवयवों को निकाल देने के बाद जो जो अवयव बचेगा वही ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे, यानी पूरक को हम लोग किस तरह से निरूपित करते हैं, तो ए डैश के रूप में निरूपित करते हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ ए तो है, ए के ऊपर में एक लाइन हम लोग ऊपर में पोस्ट एप्सिलॉन जैसा करके डाल दिए, ये ए डैश के रूप में निरूपित करते हैं। यानी ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, ठीक है? यानी यू के सापेक्ष ए को पूरक के रूप में हम लोग ए डैश के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है? ये भी बात क्लियर हो गया। अब ए डैश को परिभाषा यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? एक ऐसा अवयव एक्स जो यू जो है सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव तो हो लेकिन एक्स ए का अवयव नहीं हो, है ना? अतः यू ए बरा ए का पूरक को हम लोग यू माइनस ए के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिया गया क्या कि यदि यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ए बराबर लिया गया है 1 3 5 7 और 9, तो जो ए का पूरक है, तो ए का पूरक क्या हो जाएगा भाई? ए का पूरक हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। क्यों? क्योंकि यू के अवयव जो कि जितना भी है उसमें 1 3 5 7 9 को अगर घटा देंगे तो क्या क्या मेरे पास बचेगा? तो ये बचेगा आपको 2 4 6 8 और 10, और यही आपका कहलाएगा ए का पूरक। यानी ये बात एकदम क्लियर हो गया कि सार्वत्रिक समुच्चय कोई भी यू है उसमें से ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी को माइनस कर देंगे तो जो जो अवयव बचेगा वही ए का पूरक कहलाएगा, है ना? अब एक और चीज, अगर ए का पूरक निकाला निकालना पड़े, मतलब क्या, जैसे ए का पूरक आया है हमें 2 4 6 8 और 10, यदि इसका भी हम लोग पूरक निकालना चाहे, मतलब क्या, जैसे इसके ऊपर भी एक और डैश लगा देंगे, तब वो मान क्या हो जाएगा? तब वो मान आप कह सकते हैं, यहाँ पे यही था ना आपका, तब उस मान को जैसे एक का पूरक, यही ना, ये तो इसका ये हो गया परिभाषा। हाँ, तो जैसे ए का पूरक, जैसे कहने का ए के पूरक का पूरक मतलब अब क्या, जैसे 2 4 6 8 और 10, ये तो ए का पूरक का मान हो गया। अब इसका भी पूरक निकालना है, इसका भी पूरक कैसे निकालेंगे? तो जो यू है उसमें से 2 4 6 8 और 10 घटा देंगे तो हमारा ए का पूरक निकल जाएगा। तो जब 2 4 6 8 और 10 जो है वो घटा देंगे किसमें भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो घटा देने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? तो 1 3 5 7 और 9, ये किसका मान बता देगा? तो ए का मान बता देगा, ये जो आपको दिख रहा है। यानी कह सकते हैं कि यदि ए का पूरक निकालेंगे तो जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये ए का मान के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यदि ए दिया हुआ था, ए का पूरक हम लोग निकाले तो 2 4 6 8 और 10 आया, यदि ए के पूरक का पूरक निकाले तो आया 1 3 5 7 9, और यही किसके बराबर है? तो ए के बराबर है, ए जो दिख रहा है आपको, ए जो दिख रहा है यहाँ पे। यानी कह सकते हैं कि ए और ए के पूरक का पूरक दोनों एक बराबर ही होता है ना? तो ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए क्लियर है यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन भी है क्या बाबू? क्लियर है अमन? ये फिर से कर दे। सही है, पक्का ना? क्योंकि समझ लो एक बार फिर से, यू जो दिया हुआ था 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 और 10, ये पूरा एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ए क्या है? तो उसका उप समुच्चय है 1 3 5 7 और 9। क्यों उप समुच्चय है? क्योंकि ए का अवयव यू में मौजूद है।
अब आपसे पूछा ए का पूरक का मान पूछा, तो पूरक ए का पूरक निकालने के लिए यू में जितना भी अवयव है उसमें ए का अवयव घटा देंगे तो ए का पूरक हो जाएगा, मतलब बचा क्या, 2, 4, 6, 8 और 10। अब ए का पूरक पूछता है यानी ए का डबल डैश पूछता है, तो यानी यू में से फिर ए के पूरक का मान घटा देंगे, तो ए के पूरक का मान है 2, 4, 6, 8, 10 और यू का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9, और ये किसके बराबर है, तो ए के बराबर है। यानी ए के पूरक का पूरक बोलेगा तो उसका मान जब भी होगा तो ए के बराबर होगा। इस तरह से उदाहरण दे करके हम यहाँ पे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपसे साबित करने के लिए भी बोलेगा कि बस सिद्ध करिए कि ए के पूरक का पूरक बराबर है, तो आप इस तरह से उदाहरण दे करके इस चीज को आप ले करके समझा सकते हैं। चलिए क्लियर है बाबू, कोई कंफ्यूजन तो इसमें तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। चलिए ठीक, अब आगे आपको क्या है, छठा नंबर तो हो गया। अब देखिए अभी इसी तरह से जो नियम है वही नियम को यहाँ पे बताया भी गया है। ए के पूरक का पूरक इसका मान ए के बराबर होगा, ए यूनियन बी का पूरक का मान क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ये पूरक के कुछ गुण धर्म है जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। खाली सत्यापित किया गया, जैसे पिछला एक थ्योरम को हमने सत्यापित किया और बाकी को भी आप खुद से लेकर के चाहे तो सत्यापित कर सकते हैं। यही आपका द्विपूरक का नियम, ए के पूरक का पूरक, इसको कहते हैं हम लोग द्विपूरक का नियम। ये चीज आपको सत्यापित करने को रहेगा जिसको आप उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। और एक और चीज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए जैसे यहाँ पे दे रहा है आपको, जैसे एक जिसे दे दिया कि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया और ये से अवयव ये आपको समुच्चय उपसमुच्चय उसका ए हो गया, तो ए का पूरक क्या कहलाता है, तो ए का पूरक ऐसा वैल्यू कहलाता है जो यू में तो है लेकिन ए में वो नहीं है, तो यही आपका ए का पूरक है। और हम बोले थे कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा निरूपित करते हैं और उप समुच्चय को एक वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा और उप समुच्चय को और उप समुच्चय समझा दीजिए सर। हाँ बता देते हैं बाबू, देखिए ये वाला ना, हाँ ये डायग्राम वाला ना, डायग्राम वाला ना, ना 7 नंबर पेज नंबर 7। अच्छा 7 नंबर को, 7 नंबर स्लो हो गया तो फिर से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, खाली म्यूट करके सुनिएगा। 7 नंबर में क्या था कि देखिए अभी तक जो बताए थे ना, ए का पूरक बराबर ए, तो यही आपका कौन सा नियम कहलाता है, तो द्विपूरक नियम, यही आपको कहला जाएगा। फिर आगे आप देखिएगा तो इसी आधार पे कुछ पूरक के गुण धर्म को बताया गया है जिसको आप कोई भी दो समुच ए और बी मान करके चाहे तो सत्यापित आप कर सकते हैं। तो यही पूरक का नियम है जो जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तुम अपना पहले म्यूट करिए पहले, और हेडफोन लगाइए, हेडफोन है तो लगाइए, तब आवाज आएगा। सही है, तो वही बात है, ए के पूरक का पूरक मतलब ये एक नियम बताया गया है। ये क्या है, तो एक नियम है ये, आपका एक नियम है जो बताया गया है ना। तो इस नियम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही आपका नियम है, इस नियम के आधार पे आपको चलना है, ठीक है। चलिए सही है, अब उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई डी मॉर्गन का नियम क्या है, तो ये नियम है, द्विपूरक का नियम क्या है, तो ये नियम है, फाई और यू का नियम क्या है, तो ये है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी होगी, तो यही बस इसमें केवल था और इसमें कुछ था नहीं, कॉन्सेप्ट जो था वो पीछे ही था। और बेसिक जो है, देखिए अब हम बोले थे कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा निरूपित करते हैं और उसके उप समुच्चय को एक वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं, तो आयत हो गया U, आपका जो भी है सार्वत्रिक समुच्चय, A हो गया उसका उप समुच्चय, और A का पूरक वही मान हो गया जो A में तो जो U में है लेकिन A में आपका नहीं है, है ना। तो बस यही इसमें सार्वत्रिक यानी पूरक का मतलब जो पढ़ना था तो यही पढ़ना था। अब इसके जैसा हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे डिस्कशन करते हैं, करें ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा,
कैसे बाबू कुणाल सही है यहाँ तक? चलिए तो अब आगे उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन भेज देंगे, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं भेजे थे लेकिन थोड़ा देर में इस पर क्वेश्चन भेज देंगे, तब तक कुछ और पढ़ा देते हैं, है ना, कुछ और इसमें पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यूनियन इंटरसेक्शन वाला थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है यूनियन इंटरसेक्शन वाला के? थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे इस पर क्या होता है। जैसे होता क्या है बाबू, एक आप लोग पढ़े होंगे, देखिए हाँ यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। जैसे कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, ये कभी पढ़े हैं आप लोग क्या अनुराधा, कभी पढ़े हैं ये वाला? नो सर। बताते हैं, जैसे देख लो बाबू, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। जैसे होता क्या है कि मान लेते हैं आपके स्कूल में दो टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का और दूसरा होता है फुटबॉल का। मान लिया कि ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, क्रिकेट क्रिकेट के टूर्नामेंट, और दूसरा अगर मान लेते हैं कि एक लिया गया फुटबॉल के लिए टूर्नामेंट, फुटबॉल के लिए लिया गया। आपको पता है कि आपके क्लास में टोटल जो है टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। अब बोला गया कि जो जो हाँ क्या हुआ बोला पढ़े हैं एक बार, हाँ ये पढ़ाए थे उस दिन थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा एक बार फिर से बता देते इसमें क्योंकि क्वेश्चन आज करवाएंगे। तो अगर बोला गया कि भाई क्रिकेट और फुटबॉल में जो जो लोग खेलना चाहता है वो अपना नाम लिखाइए, तो पता चला क्रिकेट में कुल 60 लोगों ने अपना नाम लिखा दिया। फुटबॉल के लिए पता चला कि कितने लोग खेलना चाहते हैं, तो पता चला कि 50 लोग क्रिकेट फुटबॉल में नाम लिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखा गया कि भाई 60 जोड़ 50 हो गया आपको टोटल 110, लेकिन टोटल तो यहाँ पे 100 बच्चा है। अब कुछ ऐसा बच्चा निकला जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों लिस्ट को मिलाया गया, तो कुछ ऐसा बच्चा निकला जो क्रिकेट भी नाम लिखाया है और फुटबॉल में भी नाम लिखाया है ना, समझिएगा ध्यान से। यानी जो दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना चाहता है वो क्रिकेट भी खेलना चाहता है और साथ में और फुटबॉल भी खेलना चाहता है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना चाहता है। तो पता चला कि ऐसा मान लेते हैं 30 बच्चा है वो अपना नाम लिखाया है। तो अब आपसे पूछता है कि भाई सिर्फ क्रिकेट मतलब कि कितना बच्चा खेलता है, सिर्फ क्रिकेट तो भाई टोटल क्रिकेट तो 60 था, दोनों खेलने वाला 30 है, तो सिर्फ क्रिकेट जो यहाँ पे आएगा तो सिर्फ क्रिकेट आपको कितना मिलेगा 30। मतलब क्या किया 60 माइनस 30, मतलब सिर्फ कितना हो गया आपको 30। अब आपको आया कि सिर्फ फुटबॉल, सिर्फ कितने बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेलना जानते हैं, फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल मतलब क्रिकेट नहीं सिर्फ फुटबॉल, मतलब सिर्फ फुटबॉल भाई फुटबॉल टोटल कितने थे 50 और दोनों कितना खेलता है 30, तो सिर्फ फुटबॉल जब खेलने की बारी आई तो 50 में से 30 घट गया तो कितना बचेगा, 50 में से 30 घट गया तो ये बचेगा आपको कितना 20। तो यानी हम लोग देखेंगे 50 में से 30 घट गया तो ये हो गया कितना आपको तो 20। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि कुल कितने बच्चे हैं जो किसी न किसी गेम में अपना नाम लिखा दिए हैं, यानी कुल कुछ यानी कुल कुछ कोई ना कोई गेम यानी कुल बच्चे जो किसी न किसी गेम में नाम लिखा है, यानी कोई गेम खेलने वालों की कुल संख्या, यानी कोई गेम खेलने वाले कुछ भी बच्चे हैं, खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा गया कुल संख्या, तो भाई पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ क्रिकेट, तो सिर्फ क्रिकेट आपको कितना मिला है भाई तो 30 मिला है। सिर्फ फुटबॉल कितना मिला है भाई तो 20 मिला है, और दोनों खेलने वाले कितने मिले हैं तो 30 मिले हैं, तो 30 30 60 और 20 कितना हो गया तो 80। तो बात समझ रहे हैं, यानी कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं, तो ये कितना टोटल बच्चे कितने हो गए तो 80। देखो ये तो 80 आया जो किसी न किसी गेम में खेलते हैं, इसको चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। NA क्या बताएगा भाई, तो कुल क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या 60,
एनबी, एनबी क्या बताएगा, कुल फुटबॉल खेलने वालों की कुल संख्या 50, और इंटरसेक्शन क्या बताएगा, जो दोनों गेम खेलना जानते हैं, वो हो गया 30, तो ये भी चाहे तो कितना हो गया 80, चाहे यहाँ से आप ऐसे 80 निकाल लें, चाहे यहाँ से आप 80 निकाल लें, बात वही है, मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है। क्या बाबू समझ रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन भी है, चाहे आप फॉर्मूला के थ्रू आप इस तरह से आप जा करके 80 निकालिए, चाहे आप बेसिक के थ्रू जा करके आप 80 निकालिए, तो यही चीजें आपको कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पे पढ़ने और ये करने के लिए मतलब कि आपको रहे हैं, यही आपका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, यही चीजें आपको कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया कि यूनियन क्या बताता है, यूनियन बताता है टोटल, यानी एन ए बता देगा जो एक गेम को खेलते हैं, एन बी क्या बता देगा दूसरे गेम को खेलते हैं, इंटरसेक्शन क्या बताएगा जो दोनों गेम को खेलते हैं, मतलब 60+50-30 बराबर कितना हो गया 80। क्या समझ रहे हैं अमन, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए अमन, अमन आवाज आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, सनी आपका सही है, एक बार फिर से कर देते हैं, देखिए एक बार फिर से करेंगे, देखिए एक बार फिर से कर देते हैं, देखिए कहा गया क्या कि देखिए फिर से कर देते हैं फॉर्मूला पे, क्योंकि ज्यादा भी आपको फॉर्मूला ही चलना है। देखिए मान लिया कि दो गेम खेलना है, ठीक है, कॉलेज में टूर्नामेंट है, ठीक, तो अगर बोला गया कि क्रिकेट दो गेम कौन सा भाई, तो एक हो गया आपको क्रिकेट और दूसरा हो गया आपको फुटबॉल, फुटबॉल था है ना, इसको इस तरह से लिख देते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। अब अगर पता चला कि आपके क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, ठीक, अब क्रिकेट के खेलने वाले बच्चे कितने निकले तो 60, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने निकले तो 50, ठीक है, और दोनों खेलने वाले कितने निकले भाई, तो दोनों, दोनों कितना खेलता है, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल कितना खेलता है 30, क्योंकि 60+50 तो 110 होता है, तो दोनों गेम खेलने वाले कितने हो गए 30। तो अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यूनियन क्या बताता है कि कुल गेम खेलने वाले बच्चों की कुल, हाँ यानी गेम खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या ये बताएगा ना, एन ए यूनियन बी क्या बताएगा भाई, तो गेम खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या ये बताता है, बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की संख्या। एन ए बताने वाले हो गए कुल क्रिकेट, कुल क्रिकेट हो गया, एन बी क्या बताएगा भाई, तो कुल फुटबॉल, कुल फुटबॉल हो गया, और ये क्या बताएगा जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, यानी इसको हम बता दिए थे कि यूनियन कहते हैं और इसको हम बता दिए थे कि इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन ये हम बता दिए थे, इंटरसेक्शन ये चीज हम बता दिए थे आपको, इसको मतलब कि रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको हो गया था। तो अब एक चीज देखा जाए यहाँ पे कि एन ए यूनियन बी हमने लिखा है क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी यही हमने लिखा है। तो एन ए मतलब कुल क्रिकेट खेलने वाले, कुल क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे कितना दिख रहे हैं 60, एन बी, एन बी मतलब कुल फुटबॉल खेलने वाले कितना दिख रहे हैं 50, और दोनों, दोनों गेम खेलने वाले कितने दिख रहे हैं 30। तो आप 60+50 कितना हो गया, तो भाई 110-30, 110-30 आपको कितना हो जाता है, तो 80 हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से लेके समझ सकते हैं। चलिए ये वाला समझ रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन भी है,
क्या बाबू समझ रहे हैं? अमन कंफ्यूजन है तो बोलिए। अमन सनी आपका कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सही है ना? अब इसी को अगर चाहिएगा तो अब इसको थोड़ा सा बेसिक अप्रोच से भी, जैसे हम बता रहे थे इसको बेसिक, ये तो फॉर्मूला वाला हो गया, इसको आप फॉर्मूला के हिसाब से समझ लीजिए। ये तो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला पे गए थे, लेकिन अगर आप बेसिक से समझना चाहें तो बेसिक से भी समझ सकते हैं। जैसे बेसिक अप्रोच क्या हो गया भाई, बेसिक जैसे यहाँ पे बेसिक में देखा गया तो भाई क्रिकेट हमने बोल दिया था कि क्रिकेट जो खेलते हैं वो 60 लोग खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वो टोटल 50 लोग खेलते हैं, और जो दोनों गेम खेलना जानते हैं वो आपको 30 है, मतलब ये वैल्यू 30 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट आपको जब देखना है कि सिर्फ क्रिकेट कितने हैं तो आप क्या करिएगा भाई, तो ये तो 30 है ना, तो 60 में से 30 घटा देंगे, तो 60 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। बात समझ रहे हैं? 60 कुल क्रिकेट और 30 दोनों खेलने वाले, तो घटा देंगे तो सिर्फ क्रिकेट आ जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह से आएगा सिर्फ फुटबॉल, अगर सिर्फ फुटबॉल बोल दिया तो 50 में से 30 घटा देंगे तो 50 में से 30 घटा देंगे कितना हो गया, 20। और अगर फिर उसके बाद अगला बोलता है कि दोनों, दोनों हो गए यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 30। अब इस तरह से जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया भाई, तो 80। 80 क्या निकला, तो यानी गेम खेलने वाले कुल बच्चों की संख्या, गेम खेलने वाले बच्चे है ना, गेम खेलने वाले बच्चे टोटल कितना हो गया, 30, 30, 60 और 20 कितना हो गया, 80। यानी या तो फॉर्मूला से जाइए या तो आप कैसे जाइए, तो बेसिक से जाइए। चलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भी है अमन, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोल दो अमन। सनी आपका कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दीजिए। सही है ना? या तो वही बात है, या तो वैसे निकालिए या ऐसे निकालिए। ये बात इस तरह से आ जाएगी, यानी 80 बच्चे ऐसे हो गए जो कुछ न कुछ गेम जरूर खेलते हैं। अब मान लो इसी में बोल देता कि ऐसे बच्चे जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, यानी ऐसे बच्चे ठीक जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, जो कोई गेम नहीं खेलते, जो कोई गेम नहीं खेलते, ऐसे बच्चे जो कोई गेम नहीं खेलते, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल बच्चे जो हैं, हमने कुल बच्चे जब बोला था कि जो कुल बच्चे हैं वो कुल बच्चे 100 हैं, और कुछ न कुछ गेम खेलने वाले 80 हैं, तो कुछ नहीं खेलता है मतलब क्या हो गया, 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 100 में से 80 घटेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर बोलेगा कि कुल गेम खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या, तो या तो बेसिक वाले तरीके से निकाल दीजिए, या तो ये बेसिक वाला तरीके से निकाल दीजिए, या तो जो फॉर्मूला जो था उस तरीके से निकाल दीजिए, 20 है ना। इसको सेव कर लिए, क्लियर ऑल ड्राइंग कर दिए, तो वही बात है, या तो इस तरीके से निकालिए या तो इस तरीके से जो पिछले वाले तरीके जो था उस तरीके से करके निकालिए। तो ये चीजें दो तरीका है जिससे आप देख करके कोई भी चीजें आप निकाल सकते हैं, यानी ऐसे चाहे वो ऐसे। चलिए क्लियर है यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन भी है, बता दिया जाए भाई। कुणाल सही है? यस सर क्लियर है। अच्छा सनी आपका? यस सर। अमन का तो आवाज नहीं आ रहा। अमन अमन तो ये चीज ऐसे हो जाता है। तो अभी क्या करते हैं, देखिए अभी जो है ना, अभी थोड़ा देर में मतलब कि ये भेज देते हैं इस पर जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन यूनियन वाला भी भेजते हैं और थोड़ा ये वाला भी क्वेश्चन भेजते हैं, उसके बाद कुछ आगे और पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी इतना थोड़ा देर में ये डिस्कनेक्ट भी हो जाता, तो थोड़ा देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन पहले हम क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं। क्या सही है? थोड़ा इस पर क्वेश्चन बनेगा क्या बाबू, दे भेज करके इस पर क्वेश्चन? yeah.
हाँ अभी भेज रहे हैं तब, ठीक है अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, थोड़ा देर में ऐसे भी डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग बनाइए, बना करके फटाफट दीजिए और उसके बाद हम आगे इसमें लेकर के बनाते हैं और बताएंगे भी इसके आगे, क्योंकि पहले इतना तक तो क्लियर कर लें उसके बाद। ऐसे इसमें देखा जाए तो और भी, जैसे मतलब 10 मिनट में ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, जैसे और भी अगर देखा जाए तो और भी इसमें एन ए यूनियन बी का और भी तरीका हो जाता है। जैसे आप लोग अभी पढ़े कि एन ए यूनियन बी बराबर, याद रखिएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक ये तरीका तो अभी आप लोग देख लिए फर्स्ट पहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा एक और हो जाता है, चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी में लिख दें कि यदि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, फाई कहने का मतलब क्या, रिक्त हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, रिक्त मतलब कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर उस कंडीशन में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, मतलब इसका मतलब रिक्त है, कुछ वैल्यू है ही नहीं है, तो रिक्त है तो मतलब डायरेक्टली यही वैल्यू हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट ये बन जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा भाई कि एन ए यूनियन बी, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए माइनस बी, ठीक है, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये सब लिखना हम बता दिए हैं आपको, है ना, इसमें आप डाउट मत करिएगा सर क्या होता है, ये सब आप बना लिए हैं। मतलब ए माइनस बी मतलब बी के अवयव जो भी है वो ए वाले अवयव में घटा देंगे तो जो बचेगा वही ए माइनस बी हो जाएगा, ये सब चीजें आप बनाए थे, ये सब फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगा ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको सेव कर देते हैं और ये 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो हम अभी भेज देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हैं, बता दो बाबू इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। ए माइनस बी बताए थे ना कि यदि ए बराबर दे देगा जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, तो जैसे आपको निकालना है a माइनस बी, तो हम बताए थे कि अगर b बराबर दे दिया दो चार छः, तो हम बताए थे ना कि a माइनस बी आपको क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी यानी घटा दीजिए दो चार छः, तो दो चार छः घट गया तो बचेगा क्या एक तीन और पाँच, तो ये सब चीज़ें आपको तो हम बता दिए थे कि a माइनस बी इस तरह से निकालेंगे, अगला उसी तरह से b माइनस ए कर देंगे, तो ये चीज़ें आप अपने तरीके से आगे निकालिएगा, तो थोड़ा देर में इसको डिस्कनेक्ट करके हम क्वेश्चन आपको भेज देते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, थोड़ा बनाइएगा, क्या सनी ट्राई हो सकता है बनाने के लिए इसी आधार पर, थोड़ा देख लीजिएगा बना करके, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और अभी दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है अभी हटाते हैं और उसके बाद इस तरह से कोई इस तरह से क्वेश्चन भेजते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये 5 मिनट में कट जाता है, ठीक है।